अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर लखनऊ में मच गया हंगामा। लखनऊ की सड़कों पर लगे ऐसे होर्डिंग सब देखते रह गए। शूद्र राग पर यूपी में सियासत हो गई तेज। सपा नेता स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव के शूद्र राग पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर वार पलटवार के बीच लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर होर्डिंग लगाई गई, जिस पर लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। दरअसल यूपी में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की राजनीति गर्माने लगी है। कल देर शाम करहल पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो सदन में सीएम योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं, और ये भी कहा कि वो या सपा श्री राम और श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। अपना नाम बता दो। कठेरिया। अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या नहीं। तो हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे साथ में हैं, हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। शूद्र मान रहे हो नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना। मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में ना पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे बताओ? और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4-5-6-10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ, बताओ 5-6 गुंडे भेज दिए। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। केशव प्रसाद ने लिखा कि खुद को शूद्र बता अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार सबका साथ विकास विश्वास की नीति पर चलकर गरीबों का उत्थान कर रही है। सपा सरकारों की तरह शोषण गुंडागर्दी दंगाइयों मदद व भ्रष्टाचार नहीं किया। केशव ने आगे कहा कि सपा सरकारों के कार्यकाल का काला इतिहास यूपी की जनता जानती है। आज भी गुंडों अपराधियों दंगाइयों के सिवा सपा के पास कुछ नहीं बचा। भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश के गरीबों पिछड़ों दलितों का भविष्य है। वोट बैंक की जगह चोट बैंक तैयार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामचरितमानस पर पहले विवाद हुआ और अब अखिलेश यादव के शूद्र राग पर सियासत तेज हो गई है। देखना होगा कि ये मामला आखिर कहां जाकर थमता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।